किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारियां देते हैं और साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक कामयाब किसान से। अपने तीनों ही सेगमेंट्स के साथ हम आज के गाँव किसान कार्यक्रम में क्या कुछ विशेष खास बातें आपके लिए लेकर आए हैं, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के खेती किसानी सेगमेंट में कुछ ऐसी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा आसान हो सके और साथ ही साथ आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर पाएं। तो क्या कुछ विशेष जानकारियां हैं हमारे आज के सेगमेंट में आपके लिए, आइए उन जानकारियों पर डालते हैं एक नज़र। प्रधानमंत्री ने दूसरी पाली में एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी को अलग किया। स्वाभाविक है कि आज किसानों की आमदनी को दुगना करना है तो इस सेक्टर के बगैर नहीं होगा। अब अगर चावल और गेहूं की कीमत जोड़ लेंगे तो उससे 30% मोर दूध की कीमत होता है। 17-18 का देखेंगे तो लगभग 4.25 लाख करोड़ गेहूं और चावल का, और 6,14,000 करोड़ था दूध का। अब तो दूध भी बढ़ गया। तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री ने फिशरी के सेक्टर में देखे, तो फिशरी के सेक्टर में हमने लक्ष्य किया है कि हम 1,00,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे फिशरी के सेक्टर में। एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में हम अभी दोनों मिला देते हैं, जो कहते हैं ये बेफेलो मीट हम भेजते हैं और फिश भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अभी 75,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सेक्टर को और अधिक बढ़ाने के लिए तो हम एक्सपोर्ट में बढ़ाएंगे। अब सागर मित्र बना करके एक नया कॉन्सेप्ट, लोगों को रोजगार मिलेगा, उसमें महिलाओं की भी भूमिका अधिक होगी, और केवल भूमिका ही अधिक नहीं होगी, एंड टू एंड सोल्यूशन होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रिएट करके। तो हम एक तरफ प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, दूसरे तरफ लोगों के हाथ को मजबूत करेंगे। अगर फिशरी सेक्टर के बाद डेयरी सेक्टर को देखिए, एनिमल हस्बेंड्री को देखिए, तो उसमें दिया गया कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे दूध के प्रोसेसिंग का। तो एक तरफ हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ब्रीड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, नस्ल सुधार रहे हैं, चाहे सॉर्टेड सेक्स सीमन के माध्यम से, IVF ET के माध्यम से, जो हम 2-4 लीटर वाली गायें भी हमारे पास देश में कई राज्यों में है। अब उसको अगर हम IVF टेक्नोलॉजी में लेंगे तो 30-40 जिसने लीटर का एम्ब्रियो डालेंगे वो ऐसा बच्चा निकलेगा। हम कभी बोलते हैं कि गाय की फैक्ट्री हो जाएगी, तो लोग इसे गलत तरीके से लिखते हैं। तो हम IVF ET टेक्नोलॉजी को भी लेंगे। तो हम सॉर्टेड सेक्स सीमन ले रहे हैं कि केवल बछिया पैदा हो, वही नहीं, हम रोग मुक्त कैसे हो उसकी चिंता इस बजट में है। तो बजट में प्रोसेसिंग की भी चिंता है, नस्ल सुधार की भी चिंता है, एक्सपोर्ट की भी चिंता है, और दवा दारू की भी चिंता है, मछली में मछली पकड़ने की भी चिंता है, मछली को एक्सपोर्ट भी करने की चिंता है, और जो हमारे मछुआ भाई हैं उनके हाथ को मजबूत करने की भी चिंता है, सागर मित्रा हो चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो। प्रोडक्शन के मामले में दूसरा देश है, एक्सपोर्ट के मामले में 6ठा देश है, हमें और ज्यादा करना है। दूध के मामले में पूरी दुनिया में हम पहला हैं, डेयरी सेक्टर भी 7-8% के रेट से बढ़ रहा है और फिशरी भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है। अगर कृषि को, जैसे कृषि
2.8-2.9 के रेशियो में, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज जीडीपी में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। तो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी किसानों की आमदनी दोगुना करने में सबसे बड़ा सहायक होगा। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी, इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक, जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के पशुधन सेगमेंट में कुछ खास जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं और वो हैं कुछ ऐसी जानकारियां जिससे कि आप पशुपालन बेहतर ढंग से कर पाए। तो आइए, क्या है वो जानकारियां, उन पर डालते हैं एक नजर। कृषि क्रियाएं लघु व्यवसाय से बड़े व्यवसाय में बदलती जा रही हैं। कृषि और बागवानी उत्पादन बढ़ रहा है जबकि कुल कृषि योग्य भूमि घट रही है। कृषि के विकास के लिए फसल, सब्जियां और फलों के भरपूर उत्पादन के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों से अच्छी आय भी जरूरी है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा ही व्यवसाय है जो मानव जाति को लाभान्वित कर रहा है। यह एक कम खर्चीला घरेलू उद्योग है जिसमें आय, रोजगार व वातावरण शुद्ध रखने की क्षमता है। एक ऐसा रोजगार है जिसे समाज के हर वर्ग के लोग अपनाकर लाभान्वित हो सकते हैं। मधुमक्खी पालन कृषि व बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। मधुमक्खियां मौन समुदाय में रहने वाली कीट वर्गों की जंगली जीव है। इन्हें उनकी आदतों के अनुकूल कृत्रिम ग्रह में पालकर उनकी वृद्धि करने तथा शहद एवं मोम आदि प्राप्त करने को मधुमक्खी पालन या मौन पालन कहते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के डॉक्टर शैलेंद्र अग्रवाल से, जो जैविक खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं। हम लोग जैविक खेती करते हैं और उसमें हमने साथ साथ अभी एक मौन पालन भी शुरू किया है, बी कीपिंग, हनी बी कीपिंग जिसको कहते हैं। तो वो आप देख रहे होंगे पीछे बॉक्सेस रखे हैं हनी बीज के, तो वो जो ये हनी बॉक्सेस हैं इसके अंदर बीज हैं और 10 फ्रेम हर बॉक्स के अंदर हैं हनी बीज। इसके अंदर लगभग एक साल में 25 से 30 किलो हनी एक डिब्बे में एक बी कीपर निकाल सकता है। और मेरे पास यहाँ फार्म पे इनके लिए यूकलिप्टस के पेड़ हैं और सरसों हम खुद उगाते हैं जैविक रूप से, अरहर लगी है और भी कई जंगल के फूल हैं और खैर का जंगल है जो कि मधुमक्खियों को बहुत प्रिय होता है। शहद एवं मोम के अतिरिक्त अन्य पदार्थ जैसे गोंद, डंक विष, रॉयल जेली भी प्राप्त होते हैं। साथ ही मधुमक्खियों से फूलों के पर प्रग्रहण होने के कारण फसलों की उपज में लगभग 1/4 अतिरिक्त बढ़ोतरी हो जाती है।
ये जो शहद है जो मधुमक्खियाँ तैयार करती हैं, इसके साथ साथ हमें बहुत अन्य पदार्थ भी मधुमक्खियाँ देती हैं, जो कि जैसे पोलन हो गया, जो नेक्टर लेके आती हैं, जो पोलन ट्रे आपने अभी देखी हो ग्रीन कलर की प्लास्टिक की, उसको अगर हम बॉक्सेस के बाहर लगा देते हैं तो उसमें पोलन इकट्ठा हो जाता है, तो वो पोलन जो है बहुत ही लाभदायक चीज़ होती है और आप उसको अपनी डेली डाइट में भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही पौष्टिक आहार है, जो कि फार्मा इंडस्ट्री में और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल होता है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। फिर इसके अंदर जो आप देखें जो एक वैक्स है, जब हम रॉ हनी निकालते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी मिक्स ज़रूर हो जाती है और वो भी जब हम कंज्यूम करते हैं उसको तो वो भी बॉडी के अंदर जाती है, लेकिन आप वैसे भी अगर चाहें तो थोड़ी सी इसको वैक्स को कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी तो अगर आप इसकी बाकी सारी चीज़ों को देखें तो कम से कम 8 या 9 चीज़ें हमें मधुमक्खियाँ देती हैं। इसकी एक मौनी विष है वो भी काम में आता है, गोंद जिसको कहते हैं वो भी बहुत काम में आती है, और भी जाने कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमें मधुमक्खियाँ देती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को मौन पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे किसान सही तकनीकों को अपनाकर सफलतापूर्वक मधुमक्खी पालन कर सके। सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं कितने सारे, उसमें भी जाके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैंने खुद ने ट्रेनिंग ली है यहाँ के केवीके में जाके, जिससे मुझे पता चला कि हाँ कैसे करें। और फिर आपके अगर इक्लिप्टस और सरसों का आपका लगा हुआ है फसल, तो उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। पोलन, नेक्टर, जो इसका वैक्स है और बाकी इतनी सारी चीज़ें जो हमें मधुमक्खियाँ देती हैं, वो भी किसान को एक आय का स्रोत जो है वो पैदा करती हैं। अगर उसको ठीक तरीके से कोई भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं। सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, जिसे किसान अपनी आय को दोगुना कर सके। जो भी किसान है उसको मौन पालन ज़रूर करना चाहिए। सरकार की तरफ से भी सहायता मिलती है इसमें, और दूसरी बात यह है कि ये जो एक एक्स्ट्रा इनकम अगर आप सही तरीके से इसको करते हैं तो, और आपके पास में आसपास खेती है, तो आपको कोई अलग से इसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी है। टाइम टू टाइम आपको इसका शहद निकालना है और स्टोर करके आपने इसको सेल करना है, जैसे भी आप इसको सेल कर सकते हैं। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसा स्प्रे, रसायन स्प्रे, कोई केमिकल स्प्रे आसपास ना करें जो कि मधुमक्खी अगर उस पर बैठे तो वो उसके नेक्टर में उसकी कोई अंश आ जाए। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने पशुपालन के संबंध में कुछ विशेष जानकारियां हासिल की, किस तरह से आपने पशुओं की देखरेख करनी है, आइए जानते हैं पशुपालक कैलेंडर में। फरवरी में ध्यान देने वाली बातें। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी माह में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहती है, अतः पशुओं को भीगने से बचाएं एवं बादल हटने पर सर्दी के बढ़ने के आसार को देखते हुए पर्याप्त बचाव के उपाय करें। जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे, उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए, ताकि सभी पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें। मेमनों को PPR का टीका लगवाएं। दुधारू पशुओं को थनेला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांध कर निकालें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर, इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। पीढ़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान,
पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण, पूर्वोत्तर की कहानियाँ, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के कामयाब किसान की दास्तां में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम करके अपना नाम कामयाब किसान की सूची में दर्ज करवाया है। तो क्या है उनकी कामयाबी की ये दास्तां, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे देश में पूरे साल अंडों की बहुत मांग रहती है। जी हाँ, पोल्ट्री फार्मिंग एक अच्छे व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है। रामनगर अमरोहा उत्तर प्रदेश के युवा नितिन चौधरी ने MBA करने के बाद पोल्ट्री फार्मिंग को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाया। मैंने MBA करने के बाद में एक MNC में वर्क किया था कुछ दिन तक। तो MNC में वर्क के बाद में मैंने 6 महीने मतलब कुछ थोड़ा देखा कि किस तरह से करना चाहिए मार्केट। फिर वापस अपने जो फैमिली बिजनेस था उसमें आए। 3 साल पहले पोल्ट्री शुरू किया, 90,000 बर्ड के साथ हमने शुरू किया था। अभी अपना हमारे पास कैपेसिटी 1,80,000 का है। नितिन बताते हैं कि किस प्रकार मुर्गियों को व्यवस्थित रूप में पाला जाता है, उनके दाने का तापमान का किस प्रकार ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम एक शेड की पर्टिकुलर शेड की बात करें तो शेड में यहाँ बाहर हमारे साइलोज में दाना ला के डाला जाता है, वो दाना स्टोर रहता है, वहाँ से ऑटोमेटिकली वो साइलोज पे फीडिंग ट्रॉली में आएगा, फीडिंग ट्रॉली से वो फीड करते हुए केजेस में चला जाएगा। पानी वो अंदर केजी में पिएगा। जब गर्मियों के दिन होंगे तो उसके हिसाब से हम उसको टेम्परेचर भी कंट्रोल करते हैं, जैसा भी जो हमें 22-25 के आसपास हम उसको टेम्परेचर कंट्रोल रखते हैं। एग कलेक्शन के लिए मशीनें हैं, वो बर्ड वहाँ पर ले करेगा, वो एग बेल्ट के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा, एक लेबर को यहाँ से उठा के बस ट्रे में रखना उसको। दाने का वो रिक्वायरमेंट रहता है एज वाइज उसमें रिक्वायरमेंट रहेगा कि एज किस एज में बर्ड है, कितना उसका रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसको दाना दिन में कितना उसको फीडिंग करना है। वो हर एक साइड में कैपेसिटी फीडिंग ट्रॉली का भी डिफरेंट रहता है, तो वो कैलकुलेट करके कितना उसको एक बार दिन में फीडिंग करना है, देना है, वो एक डिसाइडेड रहता है कि इतनी बार उसको ट्रॉली चलाना है। एक केज में जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है 60 स्क्वायर इंच के हिसाब से, जितना भी केज का स्क्वायर इंच का बर्ड का एरिया रहेगा उतना नॉर्मल जो स्टैंडर्ड एज है उसके हिसाब से रखेंगे, स्टैंडर्ड के हिसाब से। अंडों का बाजार बहुत बड़ा है, मांग अधिक और पूर्ति कम होने के चलते इस व्यवसाय में अधिक संभावनाएं हैं। मार्केट तो मतलब आप जिस भी तरह से जाए इसमें सेगमेंट में, अगर आप जैसे हम ये बात करेंगे हम इसमें हम पैकिंग में जा सकते हैं, रिटेल मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, मॉल्स की सेलिंग में भी जा सकते हैं, तो सेल्स का तो कोई इशू है ही नहीं, अच्छा खासा फ्यूचर है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्योंकि अगर हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो यूपी में डिमांड बहुत बड़ी डिमांड है। इवन यूपी का प्रोडक्शन का हम अगर पुराने डेटाज की बात करें तो 10% भी प्रोडक्शन नहीं है डिमांड का। हमें डिमांड के लिए बेसिकली हरियाणा और पंजाब पे डिपेंडेंसी है। तो अगर हम यहाँ पर यूपी के स्कोप की बात करें तो यूपी में बहुत बड़ा स्कोप है। सीजन वाइज कुछ नहीं होता, घटना बढ़ना प्रोडक्शन सीजन पे कोई डिफरेंट नहीं आता, क्योंकि हम टेम्परेचर को तो क्लाइमेट कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसमें सीजन का कोई डिफरेंस आएगा नहीं, बहुत माइनर से डिफरेंस आएगा, उसका कोई इशू है नहीं। अभी अपना जो प्रोडक्शन चल रहा है वो अराउंड 1,40,000 के आसपास चल रहा है, 1,40,000 एग्स पर डे। इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है ताकि किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अपनी आय को दोगुना कर सके। इसको स्टार्टिंग में हम जैसे पशुपालन विभाग एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसमें फाइल को प्रोसेस करेंगे, देन आफ्टर उसके बाद में जो भी आपका कंसर्न बैंक रहेगा बैंक से उस पर फंडिंग कराएंगे, जो डिपार्टमेंट से आपको सब्सिडी वगैरह आता है, अभी यूपी गवर्नमेंट का सब्सिडी चल रहा है, तो वो सब्सिडी के अकॉर्डिंग आपको जैसा भी जो भी नॉर्म्स रहते हैं वो डिपार्टमेंट से आपको रूल्स को फॉलो करेंगे और वो उस पर जा सकते हैं फिर आगे। नितिन कहते हैं कि नौकरी से अच्छा अपना व्यवसाय है, इसमें न केवल हम अपने लिए कमाते हैं अपितु औरों को भी व्यवसाय उपलब्ध कराते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपना कुछ जॉब पे डिपेंडेंसी ना हो के दूसरे के पीछे ना भाग के अपना कुछ छोटा करें, कुछ भी करें, अपना शुरू करें। इसमें हम अपने लिए ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए
जॉब क्रिएट कर रहे हैं, हम दूसरे के लिए भी एक रोजगार क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।